दोस्तों, भारत के मंदिरों की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक मंदिर है जिनकी वास्तुकला के सामने ताजमहल तो क्या दुनिया की कोई भी इमारत नहीं टिकती। सबसे अद्भुत नक्काशी के लिए खजुराहो के मंदिर हो या फिर एक पत्थर से बना दुनिया की सबसे बड़ी संरचना के रूप में कैलाश मंदिर हो, जिसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और मंदिर परिसर भी 3 मंजिल गहरा है। चाहे दक्षिण भारत की अद्भुत नक्काशी और संरचना वाले लक्ष्मी मंदिर हो, अपने विशाल परिसर के लिए विख्यात बृहदेश्वर मंदिर हो, चाहे तमिलनाडु का अन्नामलाई मंदिर हो, चाहे आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर हो, पहाड़ों में वैष्णव देवी मंदिर हो या चमत्कारी केदारनाथ और अमरनाथ हो, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन इसमें कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपने चमत्कारों की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन मंदिरों में कई तरह के चमत्कार होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी बताने वाले हैं जहां माता की प्रतिमा रजस्वला होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और इस मंदिर का नाम है कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक खास बात ये भी है दोस्तों कि जहां आपको अन्य मंदिरों में प्रसाद के रूप में लड्डू इत्यादि मिठाई दी जाती है, वहां यहां पर रक्त से भरा हुआ कपड़ा मिलता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कामाख्या मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी ही और भी रहस्यमयी बातें जो आपको हैरान कर देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार भर में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर के अंग काटना शुरू कर दिए और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहां पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना की गई। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना की गई। कहा जाता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और इसे आज भी माता की प्रतिमा रजस्वला होती है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां पर पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता रजस्वला होती है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। हर वर्ष माता रजस्वला होती है, तब यहाँ अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। ये 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में न तो कोई मंगल कार्य होता है और न ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद 4th दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के लिए दर्शन हेतु खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। हर वर्ष इस मेले के दौरान पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी की रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। कामाख्या मंदिर में देवी की योनि की मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे गुफा में एक कोने में रखा गया है। इसके अलावा मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कामाख्या देवी मंदिर में साल में 2 बार यानी अंबुवाची मेले और दुर्गा पूजा के मौके पर दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा इस मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। इस पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इस दौरान यहाँ पर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, जिसे बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। भक्तों के बीच मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से गुजरती है। कामाख्या मंदिर में अंबुवाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए।
इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्या है मंदिर का इतिहास? बात करें अगर इस मंदिर के इतिहास की तो कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था, या फिर कहिए कि मलेच्छ डायनेस्टी के दौरान हुआ था, जब हुसैन शाह ने कामाख्या साम्राज्य पर आक्रमण किया तो कामाख्या मंदिर को खत्म कर दिया, जहां कुछ भी नहीं बचा और ये मंदिर खंडहर बन गया। ऐसा तब रहा जब तक कि इस मंदिर को 1500 दशक में फिर से खोज न लिया गया, और जब कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने इस मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया। इसके बाद जब उनके बेटे ने राजपाट संभाला तो 1565 में इस मंदिर को दोबारा से बनवाया गया, जिसके बाद ये मंदिर ऐसा ही है जैसा आज दिखाई देता है। इस मंदिर का इतिहास आज भी इसकी दीवारों के पीछे छिपा है, जहां दर्शन के लिए देश से अलग अलग हिस्सों से और विश्व के अलग अलग हिस्सों से तीर्थ यात्री आते हैं। देवी के दर्शन के लिए यहां हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। काली और त्रिपुरा सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी याचना लेकर आता है उसकी हर याचना पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। माँ कामाख्या का यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्धि पीठ माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेष दिनों में एकत्रित होते हैं। माता कामाख्या तांत्रिकों की देवी होने के साथ ही कुछ संप्रदाय की कुल देवी भी है। यह महान शक्ति साधना का गढ़ है। कहते यहाँ पर हर किसी की कामना सिद्ध होती है, इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इनके दर्शन करना भी आवश्यक है। अगर आप भी इस चमत्कारी मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपके यहाँ जाने की टाइमिंग का पता होना चाहिए। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए यदि किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। VIP प्रवेश की एक टिकट लागत है, जिस मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति 501 रुपए की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि मंदिरों में VIP दर्शन की सुविधा को हटा देना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी VIP नहीं होता? क्या मंदिरों में इस तरह की सुविधा भक्तों को निराश करती है, भक्तों को परेशान करती है? और रही बात यदि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आपको भगवान के दर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या आपको उस लाइन में पीछे कर दिया जाएगा जिस लाइन में लोग पैसे देकर आगे जा रहे हैं? यदि आप भी चाहते कि मंदिर में इस तरह के VIP ट्रीटमेंट को बंद कर देना चाहिए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।